السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

कि जिन अयाम से हम गुज़र रहे हैं जिस महीने से हम गुज़र रहे हैं वो महीना इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस महीने की बहुत ज़्यादा फजीलत है और इस महीने में हमें खसूसियत के साथ कौन से अच्छे अमाल करना चाहिए सिलसिले में आपसे गुफ्तु की गई थी लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौजूदा जमाने के अक्सर मुसलमान यह समझते हैं कि इस महीने की जो अहमियत है जो फजीलत है वो अल्लाह के रसूल वसल्लम के इर्शादात नहीं हैं बल्कि इस महीने की दस तारीख को इस्लामी तारीख में एक इंतहाई अलमनाक हादसा पेश आया था जिसे हम शहादत हुसैन रजी अल्लाह तनो के नाम से जानते हैं इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये हादसा ये वाक इंतहाई अलमनाक था अफसोसनाक था और जिन लोगों ने भी हुसैन रजी अल्लाह तनों को शहीद किया यकीनन वो लोग बड़े जालिम थे और हुसैन रजी अल्लाह तु को मजलूम आना शहीद कर दिया गया इसमें कोई शुभ नहीं लेकिन सवाल ये है कि क्या हुसैन सैन रजीरु तों की शहादत का इस महीने की अहमियत और इस महीने की फजीलत से कोई ताल्लुक है जवाब इसका यह है कि इस महीने की जो फजीलत है जो अजमत है जो अहमियत है वो हुसैन रजी अल्लाह तहों की शहादत की वजह से नहीं है इसलिए कि हुसैन रजी अल्लाह तु की शहादत का हादसा और वाकया सन इकसठ हिजरी में पेश आया है। और इस महीने के सिलसिले में जो फजीलतें आई हैं उनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लास पहले फरमा चुके हैं लिहाजा ये गलत फहमी हमारे जहन से निकल जानी चाहिए कि इस महीने की फजीलत का दारो मदार हुसैन रजी अल्लाह तनो की शहादत पर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्लाम हुसैन रजी अल्लाह तनो की शहादत से इकसठ साल पहले आपने ये इर्शाद फरमा दिया कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नफली रोजों का एहतमाम किया जाना चाहिए लिहाजा मालूम यह हुआ कि लोगों की ये गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए कि इस महीने की जो फजीलत है या दसवीं मुहर्रम के रोजे की जो फजीलत है वह हुसैन रजी अल्लाह तनों की शहादत की वजह से है। दूसरा सवाल अब ये है कि क्या किसी नबी की वफात पर या नबी की शहादत पर या नबी के बाद जो उनके साथी हैं सहाबा हैं उनकी शहादत पर या कोई बई है उसकी शहादत और उसकी वफात पर या तबा ताबईन में से किसी की मौत या किसी की शहादत पर या इस उम्मत में जो बुजुर्ग हस्तियां गुजरी है। हैं जिन्हें हम क़राम के नाम से जानते हैं किसी वली की वफात या उसकी शहादत पर खुसूसियत के साथ गम और सोग मनाने के लिए कोई दिन मुकर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है आखिर किसी की शहादत पर और किसी की वफात पर सोग की कितनी मुद्दत है कितने दिन तक हम सोग का इजहार कर सकते हैं गम का इजहार कर सकते हैं अगर किसी की वफात हो जाए और मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि चूंकि हुसैन रजी अल्ला की शहादत को आज की तारीख तक तकरीबन तक तक साढ़े चौदह सौ साल होने जा रहे हैं चौदह में हम दाखिल हो चुके हैं तकरीबन साढ़े चौदह सौ साल होने जा रहे हैं और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है जो इस मुनासब से हर साल शहादत हुसैन के नाम से मजलिस मुनाकिद करती है महफिलें सजाती है महफिलें मुनाकिद की जाती हैं और शहादत हुसैन के नाम पर उन महफिलों में अपने गम का इजहार किया जाता है शोक का इजहार किया जाता है मरसिए पढ़े जाते हैं हुसैन रजी अल्लाह तहों के जो फजाइल हैं जो मनाकब हैं हर साल इन मजलिसों में बयान किए जाते हैं और साथ ही साथ इंतहाई ख़तरनाक जो बात है वो ये है कि वो हस्तियां वो शख्सियतें जो शहादत हुसैन के मौके मौके पर और वक्त पर मौजूद नहीं थी उन हस्तियों का शहादत हुसैन से दूर का भी वास्ता और ताल्लुक नहीं रहा इसलिए कि वो तो दुनिया में मौजूद ही नहीं थे उनको भी शहादत हुसैन की मजलिसों में बुरा भला कहा जाता है तब्रेबाजी की जाती है गालियां दी जाती हैं और न जाने किस किस तरह के इतहामत और इल्ज़ाम नाहक तौर पर इन बुज़ुर्ग हस्तियों के ऊपर आयद किए जाते हैं तो सवाल ये है कि साढ़े चौदह सौ साल तकरीबन होने जा रहे हैं और ये इस उम्मत की बड़ी तादाद है जो शहादत हुसैन का गम मनाने के लिए मजलिस मुनद हर साल करती आ रही है क्या साल हा साल तक किसी शख्स को इस उम्मत के जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता हो क्या इसकी इजाजत है कि वो गम और सोग और गम और सोग नहीं बल्कि मातम जो गम और सोच से आगे की चीज है जिसकी हमारी शरीयत में कोई गुंजाइश ही नहीं है मातम करती है मातम मनाती है शहादत हुसैन के ताल्लुक से हर साल क्या इसकी कोई गुंजाइश है वैसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिले में बेशुमार हिदायत और आपके इर्शादात मौजूद हैं मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र करूंगा जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि इस सिलसिले में फैसला कन बात किया है कि हम कितने दिन तक किसी की वफात का किसी की शहादत का मातम नहीं बल्कि सोग मना सकते हैं उसका इजहार कर सकते हैं इसकी कितनी गुंजाइश है मेरे सामने जैनब बिनते अबू सलमा की रिवायत है और ये रिवायत सही बुखारी के अंदर है कहती है लम्मा जा नायू अभी सुफियान मिन श्याम दात उम्मो हबी बता बिसफ रिलियो मिस तो जैनब बिनते अबू सलमा कहती हैं कि जब शाम से अबू सुफियान रजी अल्लाह उन्हों की मौत की खबर आई उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तला के पास ये उम्मे हबीबा कौन है मोमिनीन में से है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम की शरीक जिंदगी है रजी अल्लाह तो जब उम्मे हबीबा जो बेटी हैं अबू सुफियान रजी अल्लाह तला की और मुआविया रजी अल्लाहनों की बहन है जब उनके पास अपने वालिद की वफात की खबर आई कहती हैं दात हैबीबता उम हबीबा रजी अल्लाह तहा ने तीसरे दिन जर्द रंग की खुशबू तलब की खुशबू मंगाई तीसरे दिन फमसहत आ रही हा वरा आए और उन्होंने ये खुशबू मंगा कर अपने दोनों रुखसार पर दोनों गालों पर और अपने दोनों बाज़ुओं पर अपने दोनों हाथों पर इसको मल लिया इसको लगा लिया ये इशारा था इस बात की तरफ कि चूंकि अबू सुफियान उनके वालद मोहतरम थे रिश्तेदार थे करीबी वाल थे और वो उनकी बेटी है इसलिए उन्होंने सोक का इजहार किया लेकिन तीसरे दिन ये ऐलान कर दिया कि सोक का वक्त खत्म हो गया है गम के इजहार का वक्त खत्म हो गया है वह कालत और उन्होंने कहा इनकुन तो अनहाज तुम मैं ऐसा करने से बेनियाज थी मैं मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी जो मैंने किया है कि मैंने अपने वालिद की वफात के तीसरे दिन खुशबू मंगाकर इस्तेमाल कर लिया है मुझे इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन क्यों उन्होंने ऐसा किया ताकि इस उम्मत के बाद में आने वाले लोगों तक अल्लाह के रसूल वसल्लम का तो जो एक अहम हुक्म है वो पहुंच जाए उसके बाद कहती है कि लानी समय तो रसूल सल्लम यकूल अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लाम को यह फरमाते हुए न सुना होता क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने ला तुम्ला किसी भी मुसलमान औरत के लिए जायज नहीं है जो अल्लाह आखरत पर ईमान रखती हो क्या जायज नहीं है तिनफो का तलस कि वो किसी मैत पर किसी मरने वाले पर तीन दिन से ज्यादा सोग मनाए तीन दिन से ज्यादा सोग मनाने की इजाजत नहीं है किसी भी औरत और किसी भी मर्द इला मगर अपने शोहर पर औरत अपने शौहर पर जो सोग मनाएगी उसकी मुद्दत शरीयत ने मुकर की हुई है और वो कितनी है फैन नहा तुह अरबाता शुरुआ अगर किसी औरत के शौहर की वफ़ात हो जाती है तो उसकी वफ़ात की मुनासिबत से चार महीना दिस दस दिन सो का इजहार करेगी यानी जेब वीनत से अलीदगी इख्तियार करेगी जेब वीनत इस्तेमाल नहीं करेगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने इस हदीस में किसी भी मैयत के लिए चाहे वो नबी हो और चाहे वो वली हो चाहे वो सहाबी हो चाहे वो ताबई हो या उम्मत का कोई भी बुजुर्ग से बुजुर्ग तरीन शख्स हो किसी भी मैत के लिए तीन दिन से ज्यादा सोग मनाने की गम मनाने की इजाजत नहीं है सिवाय औरत के की औरत अपने शोहर की वफ़ात पर चार महीना दस दिन सोग का इजहार करेगी तो आप गौर फरमाए और सोचे कि हुसैन रजी अल्लाह तनहों की शहादत पर साढ़े चौदह सौ साल होने को जा रहे हैं क्या हमें गम मनाने की शोक का इजहार करने की और इससे बढ़कर ग्रीवान चाक करने की बाल नोचने की सीना खूबी करने की और न जाने सो मा मातम के नाम पर क्या किया क्या कहा क्या, क्या क्या किया जाता है जंजीरी मातम करने की जिस्म को जख्मी करने की अपने आप को लहूलुहान करने की क्या हमारी शरीयत में हर साल ऐसा करने की गुंजाइश और इजाजत है शरीयत के उसूल और उसके जबतों से ये बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए कि अब हमें शहादत हुसैन का सोग मनाने की या सोग का इजहार करने की और मातम बनाने की तो वैसे भी इजाजत नहीं है चाहे किसी भी हालत में आप हूं मातम तो एक सोग से जायद चीज है खतरनाक चीज है खसूसियत के साथ हमारी शरीयत में इसकी मुमानियत आई है लेकिन अफसोस होता है कि हम इस महीने में हर साल शहादत हुसैन का मातम मनाते हैं और अफसोस इस बात पर होता है एक मखसूस सरका है जिसका यह शार है जिसकी ये पहचान है जिसकी ये अलामत है जिसकी वजह से शहादत हुसैन रूनमा हुई मजलूमाना जिनकी वजह से शहीद कर दिया गया वही आजकल मातम का इजहार करते हैं मातम बनाते हैं और उनके साथ साथ हमारे बहुत सारे सुन्नी भाई वो भी इन मजलिसों में किसी ना किसी हैसियत से शरीक होते हैं शहादत हुसैन की शहादत हुसैन के मातम की मजलसों में शिरकत करते हैं अगर हम अल्लाह के रसूल वसल्लम की, की हदीस को समझने के लिए तैयार नहीं है उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए मेरे सामने कुछ इस उम्मत की जलील़द हस्तियां हैं बुजुर्ग हस्तियाँ हैंमा दीन हैं मुहदसिन हैं फुका हैं या जिनको सूफिया कराम में शुमार किया जाता है मेरे सामने कुछ फ़तावे हैं मैं उन फतावों की रोशनी में जो लोग ये कहते हैं कि हम हदीस को नहीं समझ सकते हैं कुरान को नहीं समझ सकते हैं हमारी समझ से बाला तर है हमारी समझ में वही बात आती है या वही बात हम समझ सकते हैं जो हमारे मा ने इर्शाद फरमाई है हमारे बुजुर्गों ने इर्शाद फरमाई है तो मेरे सामने कुछ इर्शादा हैं इस तल्लु से कुछ फतावे हैं कि आखिर हुसैन रजी अल्लाह तु की शहादत के मौके से हमें गम की मातम की शोख की मजलिस मुनाकिद करने की इजाजत है या नहीं है सबसे पहली शख्सियत मेरे सामने है उनका नाम है अब्दुलकादिर जी लानी रहमतुल्ला इनको वलमा ने शेख उखा है कि जो तसवुफ के जो सिलसिले हैं उन सिलसिलों के ये सबसे बड़े इमाम हैं ये निस्बत कादरी सिलसिले की तरफ इनकी की गई है ये कादरी सिलसिले के गोया कि ये यह मूजिद इनका ये खास तरीका है इबादत करने का यह नस्बत इनकी जानब की जाती है और इन्हें को पीराने पीर के नाम से जाना जाता है जो भी अलिया इकराम है उनके सरदार माने जाते हैं ये और इनको बहुत से मुसलमान अकीदे को ना जानने की वजह से सही अकीदा न समझने की वजह से गौ से आजम भी कहते हैं जबकि गौ से आजम अगर कोई हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह इज़्ज़त की ज़ात से आजम है अल्लाह ताला के अलावा कोई गौ से आजम न कोई नबी हो सकता है न कोई वली हो सकता है न कोई पीर हो सकता है न कोई सहाबी हो सकता है और न कोई और बुजुर्ग हो सकता है जिसे हम ये कह सकें कि गौ से आजम लेकिन मुसलमानों की अकल पर मातम कीजिए कि इस शख्सियत को गौसे आजम का लखब इनायत किया गया है कि जहां कहीं बंदा इनको पुकारेगा ये फौरन मदद के लिए पहुंच जाते हैं और यह एक बात और याद दिला दू जितने भी वलियों के नाम जिक्र किए जाते हैं इनको वलियों का सरदार शुमार किया जाता है लेकिन ये वलियों के सरदार हम बली मसलक के मानने वाले थे और इतना ही नहीं बल्कि ये आमीन और रफुल्य दिन करने वाले पीर हैं जो लोग आमीन और रफुल्यादेन करने वालों को बुरा समझते हैं बुरा भला कहते हैं उनके लिए गौर विक्र करने का मकाम है कि वो सोचे कि जो पीरों का पीर है जो वलियों का वली है वो भी जोर से आमीन कहता था वो भी रफुलियदेन नमाज के अंदर किया करता था इसलिए जो लोग इन चीजों पर अमल करते हैं उनको गलत निगाह से न देखा जाए और बल्कि अब्दुल जीलानी रहमत ने एक किताब भी लिखी है इनकी मशहूर किताब है जिसका नाम है किताब है, और इस किताब के अंदर अब्दुल अब्दुल्दिर जीलानी रहमत आल ने हम बली लिखी है फ़िके के आकाम इसके अंदर दर्ज किए हैं और दीन पर अमल करने के लिए जिन जिन नाकाम की हाजत तो और ज़रूरत है वो जिक्र की है और जो बिदात हैं उनकी अलामत उनकी पहचान दर्ज की है अपनी इस किताब के अंदर और आजकल लोग उन्हीं लोगों को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करने वाले हैं जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं जो अब्दुल अब्दुल्कर जीलानी रहत अकीदे और मसल के मुताबिक जो उनका सही अकीदा है उसके मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं उन्हीं को लोग बुरा भला कहते हैं उन्हीं को लोग गालियां देते हैं किस कदर अफसोस की बात आइए तो मैं जिक्र ये कर रहा था कि शहादत हुसैन के तल्ल से एक ऐसी शख्सियत जिन्हें सारे मकतब फिक्र के लोग मानते हैं तस्लीम करते हैं अगरचे बाज हालात में उनकी बातों पर अमल न करते हों लेकिन अकीदत इतनी जरूर रखते हैं नाम जरूर जानते हैं शहादत हुसैन के तल्लु से इन्होंने क्या फरमाया है आइए देखिए कहते हैं और ये उन्होंने लिखा है जो किताब मैंने आपको दिखलाई ऐसी किताब के अंदर जो गुनीतलब है जिल्द नंबर दो और सफा नंबर अड़तीस पर शहादत हुसैन के ताल्लुक से जो इबारत लिखी हुई है वो मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूं और उसके बाद उस इबारत का तर्जमा आपके सामने पेश करूंगा अब्दुल अब्दुल्दर जीलानी रहमत कहते हैं योम मुसीबतिन

म वफ़ात हुसैन यानी हुसैन रजी अल्लाह तहों की शहादत का दिन और उनकी वफात का दिन और अगर योम वफ़ात हुसैन को योम मातम करार देना जायज़ होता कि हर साल इस दिन मातम किया जाए शहादत हुसैन की वजह से अगर ऐसा करार देना जायज़ होता हमारे दिन हमारी शरीयत के अंदर तो इससे कहीं ज़्यादा हकदार तो दो शंबे का दिन है तो कहते हैं कि इससे कहीं ज़्यादा हकदार दो शंबे का दिन है यानी पीर का दिन है पीर के दिन को मातम का दिन मुकर किया जाता क्यों के इसी रोज़ अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह वम्म को वफा दी पीर के दिन अल्लाह के रसूल सल्लाम की वफात हुई है बारह रबी अव्वल पीर का दिन बिल इत्तेफाक अल्लाह के रसूल की वफात की तारीख के सिलसिले में किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया है हाँ आपकी पैदाइश के दिन के सिलसिले में तारीख के सिलसिले में इख्तलाफ है लेकिन आपकी वफात की तारीख के सिलसिले में कोई इख्तलाफ नहीं है तो अब्दुल्किर जी रम्ला कह रहे हैं कि इसी रोज को जिस दिन अल्लाह के रसूल की वफात हुई है ये ज्यादा हकदार था कि इसको योम मातम मनाया जाए और कहते हैं इसी दिन अबू बकर की वफात हुई और पीर ही के दिन दो शंबे ही के दिन अबू बकर सिद्दीक वफात हुई है आप तस्वर कीजिए सोचिए गौर फिक्र कीजिए कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि भी ये फरमा रहे हैं कि शहादत हुसैन का मातम मनाना इसलिए जायज नहीं है चूंकि अल्लाह के रसूल जिस दिन आपकी वफात हुई है और उसके बाद अल्लाह के रसूल के बाद जो अफजल तरीन इस उम्मत में शख्सियत अबू वहबक सिद्दीक हैं उनकी इसी दिन में वफात हुई है जब अल्लाह के रसूल की वफात का मातम मनाना जायज़ नहीं है अबूबक सिद्दीक रजी अल्लाह अनु की वफात का मातम मनाना और उसके लिए कोई मजलिस मुनाकिद करना उसके लिए दिन या तारीख मुकरर करना जायज़ नहीं है तो फिर किस तरीके से हुसैन तआला अनु की शहादत के दिन को मातम का दिन मुकरर कर लिया जाए और हर साल मातम किया जाए इसकी कैसे गुंजाइश हो सकती है आपने कभी और फिक्र किया है कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की वफात का हादसा कितना खतरनाक था कितना अलमनाक था कितना गमनाक था कितना अफसोसनाक था इससे ज्यादा बड़ा कोई गम का हादसा हो सकता है वाकया हो सकता है साहबा ने किस तरह से इसका इजहार किया था मैं सिर्फ आपके सामने एक कौल जिक्र करता हूं अनासने मालिक रजी अल्लाह हैं कहते हैं मारा तो योमिन दखलाफी है रसूल सल्हम कहते हैं कि मैंने उस दिन से ज्यादा बेहतरीन और अच्छा दिन नहीं देखा और उस दिन से ज्यादा रोशन और ताबनाक दिन कोई दिन नहीं देखा जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए हमारे दरमियान आए अल्लाह के रसूल ये जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था सबसे ताबनाक और रोशन दिन था और उसके बाद कहते हैं तो योमन काना अकबा वोिन माता फी रसूल सल्ला और कहते हैं कि उस दिन से बुरा कोई दिन मैंने नहीं देखा उस दिन से ज्यादा तारीख मैंने कोई दिन नहीं देखा जिस दिन में अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की वफात हुई है आपकी मौत हुई है और यही नहीं बल्कि उमर रजी अल्लाह तहोंने भी कहा था उमर रजी अल्लाह तु के तो होशो हवास गुम थे और वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि अल्लाह के रसूल वसल्लम की वफात हो गई है और उमर ने कहा था मस्जिद के अंदर वल्ला मा माता रसूल अल्लाह की कसम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम की वफात नहीं हुई है और सहाबा की बड़ी तादाद है जो ये समझती थी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम की वफात हुई है या नहीं हुई लेकिन जिस हस्ती ने जिस शख्सियत ने यह साबित किया कुरानी आयात की रोशनी में

अफाय मिटाफ हमुल खालिदून कुरान की कई आयतें इस सिलसिले में मौजूद हैं कि अल्लाह के रसूल को वफात आएगी आपको मौत आएगी तो जब इतनी अजीम हस्ती अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे अफजल तरीन हस्ती इस कायनात में हो सकती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा مختصر किसी शायर ने कहा था तो जब उसकी वफात का उसकी वफात के दिन का सोग मनाना मातम मनाना जायज नहीं है बकौल अब्दुल जीलानी रहमतुल्ला अरे तो जो उनसे कमतर हस्तियां हैं जाहिर सी बात है हुसैन रजी अल्लाह अन्हों के बहुत सारे मनाकिब हैं फजाइल हैं लेकिन अल्लाह के रसूल से अफजल तो नहीं हो सकते हैं या अबू बकर से अफजल नहीं हो सकते हैं बल्कि उमर से अफजल भी नहीं है उस्मान से अफजल भी नहीं है अली जो उनके वालिद गिरामी है उनसे अफजल भी नहीं है हमजा रजी अल्लाह जाफर तैयार इनसे भी अफजल नहीं है हुसैन रजी अल्लाह जब इनसे लोगों की शहादत का मातम इस्लामी तारीख में नहीं मनाया गया हजरत उमर की भी शहादत हुई हजरत उस्मान की शहादत हुई हजरत अली की शहादत हुई और हुसैन रजी अल्लाह के बड़े भाई हसन नजील्लाह तआला अनों की शहादत हुई हमजा जाफर की शहादत हुई और न जाने कितनी शहादतें इस्लामी तारीख में हुई हैं जब इन सारी हस्तियां जो इनसे افضل थीं उनका उनकी शहादत का मातम मनाना शोक का इजहार करना जायज नहीं है तो किस लिए आखिर हम इतने साल हा साल से हुसैन नजील्लाह तआला अनों की शहादत का मातम मनाते हैं مجلس مناقض करते हैं गुंजाइश हो सकती है इन ज़िंदगी रही तो फिर मेरे सामने कुछ और इसमा उम्मत के फतावे हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा जो लोग सिर्फ की बात मानते हैं पीरों की बात मानते हैं वलियों की बात मानते हैं उनके लिए बातें मैं रखने जा रहा हूं ताकि उनकी समझ में ये बात आ जाए कि ये अहले सुन्नत व जमात का तरीका नहीं है कि किसी की शहादत पर आ, साल हा साल तक गम का इजहार किया जाए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तरह की मजलिस मुनद करने उनमें शरीक होने और हर तरह से बचने की तोफ़ी क़ा फ़रमाए वह आखरुदानद्ला रबम